हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहां आप नोटिस कर रहे हो कि स्टॉक एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। जस्ट कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर ही स्टॉक इजीली टाइम हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो वो। अब स्टॉक में आप देखोगे तो लोअर लोज लगने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वो यहां से अगर आप नोटिस करो तो ये कुछ ऐसा सा पैटर्न्स दिखाना शुरू कर दिया है। और ऑलरेडी स्टॉक फॉल में तो चल ही रहा था, जिस हिसाब से आज एक सडन फॉल आया तो फिर चार चांद लग गए स्टॉक में आज ही देखें तो। बिकॉज जिस हिसाब से स्टॉक ने आज फॉल दिखाया है तो काफ़ी बड़ा फॉल था। और आप नोटिस करोगे तो यहाँ से आप ऑलमोस्ट 10-11% का ये फॉल था। डे एंड पे कुछ बाइंग भी आई है बट उतनी कारगर नहीं रही है। बट फिर भी बाइंग का मोमेंटम अगर डे एंड पे आ जाता है तो आपको एक जोन क्लियर हो जाता है कि बायर्स एक्टिव हुए हैं कहीं ना कहीं। डे एंड पे ही भले ही सही बट हुए हैं। अदरवाइज दिन भर का आप ट्रेंड देखेंगे तो स्टॉक में लोअर लोज लगते गए और पुल बैक के बाद फिर सेलिंग प्रेशर, फिर थोड़ा पुल बैक और फिर सेलिंग प्रेशर, ऐसे ही स्टॉक चलता रहे। तो अगर ऐसे ही स्टॉक चलने वाला है तो जो लेवल मैंने बताया है ये बायर्स का लेवल है। और आप देखोगे चैनल तो ब्रेक ऑलरेडी हो ही चुका है। ये वो लेवल है चैनल का जहाँ स्टॉक निकल के बाहर आ गया है चैनल से, तो ये तो ब्रेक हो ही गया है। और अगर यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता है जस्ट इन केस स्टॉक, तो फिर आपको ये लेवल कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है आने वाले कुछ दिन में, 142 के लेवल पर। और फर्दर अगर इसके बाद भी ड्रॉप कहीं ना कहीं होता है तो फिर आप देखोगे यहाँ पुल बैक्स ही हैं। तो जैसे जैसे ये पुल बैक्स के साथ स्टॉक ऊपर गया था, थोड़ा बड़ा फिर नीचे आया, फिर पुल बैक बनाया, फिर इम्प्रोवाइज़ हुआ, तो ऐसे ऐसे करके यहीं पे आप अपना एक सेट करके रख सकते हैं लेवल्स के। यहीं से स्टॉक सडन फॉल नहीं दिखाएगा। जैसे जैसे यहाँ रुका था स्टॉक, वैसे स्टॉक अब नीचे भी ऐसे ही रुकते हुए जा सकता है। तो सडन फॉल तो किसी स्टॉक में नहीं आता है और ना ही वो भागता है सडनली। कोई न्यूज़ ड्रिवन होती है या फिर पूरा मार्केट क्रैश हो रहा हो तभी स्टॉक ऐसे गिरता है। तो जिस हिसाब से आज वो आप देखोगे इन्फ्लेशन डेटा आना था, इसी वजह से स्टॉक में ये फॉल था। तो अगर ये सपोर्ट ले जाता है तो यहाँ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करेगा एक दो दिन में, और कल ही कर ले मे बी। तो ये इट्स वेल एंड गुड। अगर ये लेवल क्रॉस कर जाता है तो इस चैनल के अंदर आ जाएगा। और उससे भी बड़ी दिक्कत अब रहने वाली है स्टॉक के लिए कि ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ भी इसी को रिवर्सल देखने को मिला है। तो अगर इसी के साथ चल रहा है तो स्टॉक यहाँ से वापस तो आएगा, बट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब तक ब्रेक नहीं होगी तो ऊपर के पोजीशंस नहीं बनने वाले। तो आपको ये ट्रेंड लाइन को मार्क करके रखनी पड़ेगी और नीचे ये एक दो सपोर्ट मार्क करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये फेल होते हैं तो स्टॉक फिर जैसे ऊपर गया था हायर हाइज लगाते वैसे लोअर लोस लगा के वैसे ही स्टॉक नीचे आने वाला है। तो ऐसे चलने वाला है आपका इंजीनियर्स इंडिया। मैंने दोनों ही चीज़ें बता दी हैं आपको। बाकी कंपनी सही है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से तो सही है, और फाइनेंशियल्स भी सही हैं कंपनी के। अमाउंट आप देखोगे तो डिविडेंड में 1 रुपये के अराउंड दिया है जो 15 अक्टूबर को आपको मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म की पर्सपेक्टिव से सही है, बट फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम पे था और एक चैनल भी बना लेता, वो चैनल ब्रेक हो गया तो ये थोड़ा यहाँ पे आप देखोगे तो टेक्निकल्स बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब ऐसा सिनेरियो आता है तो पैनिक सेलिंग क्रिएट कर देता है इन्वेस्टर्स के अंदर, और वो यहाँ भी होते हुए दिखा है। अब जो आज सपोर्ट लिया है वो भी इसी लेवल के अराउंड है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट्स यहीं लिए हैं स्टॉक ने। तो अगर ये काम कर जाता है, कर जाना चाहिए वैसे तो फिर सही रहता है, बिकॉज मार्केट अगर कल सही काम करता है तो फिर ये स्टॉक भी आपको थोड़ा ऊपर दिखेगा, कुछ लेवल्स इसके ऊपर जाएंगे और फिर ऊपर आगे की दिशा वैसे ही निर्धारित होगी। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।